Today we will perform op amp as a comparator circuit. This is a circuit diagram of op amp as comparator. In this circuit, input signal Vin is applied to pin number 3 through a resistor R1 and a reference voltage V reference is applied to pin number 2 through R. A load resistor RL is connected across the output with respect to ground. The output of this comparator is observed at pin number 6 of this IC. Basically, comparator mein kya hoga? Jo reference voltage hai, wo input ke saath compare hogi. सपोज रेफरेंस 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट डीसी है ना, इट मींस प्लस 1 मैक्स, ये मैक्सिमम वोल्टेज है. अगर इनपुट वोल्टेज 1 मैक्स को क्रॉस करेगा, उससे ज्यादा होगा, तभी आउटपुट आएगा. उससे कम होगा, रेफरेंस से कम होगा, तो आउटपुट नहीं आएगा. अगर हम यहां पे रेफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 1 वोल्ट पीक टू पीक, तो उसका वी मैक्स कितना होगा? 0.5. तो आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि 0.5 1 वोल्ट से कंपेयर हो रहा है. अगर हम वी इन 4 वोल्ट पीक टू पीक अप्लाई करें, 4 वोल्ट पीक टू पीक मींस 2 वोल्ट वी मैक्स, वी मैक्स इज मोर देन 1 वोल्ट मैक्स, तो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो स्क्वायर वेव टाइप आएगा कुछ, क्योंकि ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में है. तो यही एक्सपेरिमेंट हम यहां पे आज परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. फॉर दिस वी नीड आईसी 741, R1 1 किलो ओम, R 1 किलो ओम एंड ARL 10 किलो ओम. ये सारे कनेक्शन हम ब्रेडबोर्ड पे करेंगे. उसके लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, जम्पर वायर चाहिए. उसके अलावा हमें एक एसी सोर्स चाहिए जिससे हम इनपुट अप्लाई करेंगे. एक डीसी पावर सप्लाई चाहिए जिससे हम डी प्लस वीसीसी और माइनस वीई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और रेफरेंस वोल्टेज भी हम डीसी वोल्टेज से अप्लाई करेंगे. इसके अलावा हमें एक ऑसिलोस्कोप चाहिए आउटपुट और इनपुट मेजर करने के लिए. तो सबसे पहले ब्रेडबोर्ड चाहिए, ये ब्रेडबोर्ड है, और एक आईसी 741 आईसी है, 8 पिन आईसी, जिसका पिन नंबर 1 है, यहां पे नॉच है. ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट दिस आईसी इनटू द ब्रेडबोर्ड लाइक दिस. आफ्टर दैट हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करेंगे. पहले हम आर वन कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 3 पे. आर वन हमें 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हम पिन नंबर 3 पे लगा के उसका दूसरा एंड इनपुट पे लगाएंगे. ये बाद में कनेक्ट करेंगे. नेक्स्ट रेफरेंस पिन नंबर 2 पे अप्लाई होगा थ्रू आर. आर भी हमें 1 किलो ओम का चाहिए. अब दूसरा ये रेजिस्टेंस भी 1 किलो ओम का है, ये हम पिन नंबर 2 पे लगा के उसका जो सेकंड एंड है इस रेजिस्टर का, वो हम रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे. यहां पे इनपुट वोल्टेज आएगी और यहां पे रेफरेंस. अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स कौन सा है? ARL. ये लगा है आउटपुट पे पिन नंबर 6 पे, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये वाला जो ट्रैक है ब्रेडबोर्ड का, ये हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे. जो भी ग्राउंड्स होंगे, जैसे इनपुट का ग्राउंड होगा, रेफरेंस का ग्राउंड होगा,
ऑस्किलोस्कोप का ग्राउंड होगा, सारे ग्राउंड सिग्नल्स यहां पे कनेक्ट करेंगे हम इसके साथ। कंपोनेंट्स इंसर्ट कर दिए हमने, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे और यहां पे रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। दिस इज फंक्शन जनरेटर यूज एज एसी सोर्स फॉर इनपुट वी इन। 1 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज का इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। अभी इसके पैरामीटर हम सेट करते हैं, 1 किलोहर्ट्ज 1 वोल्ट इसके पैरामीटर्स है, 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 1 वोल्ट पीक टू पीक इसका एम्पलीट्यूड है। टाइप वेव का साइन वेव है, यहां से हम ऑन कर देंगे। अब जो फंक्शन जनरेटर ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा विद दिस BNC2 क्रोकोडाइल केबल। अब क्रोकोडाइल केबल में से ब्लैक ग्राउंड हो जाएगा और जो मेन रेड वायर है ये इनपुट पे चली जाएगी R1 के साथ। हम इनपुट अभी कनेक्ट करेंगे R1, ये R1 है, इनपुट हमने कनेक्ट कर दिया इनपुट का प्लस। अब इनपुट का जो माइनस है मींस ग्राउंड है वो ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। अब ये इनपुट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमने पिन नंबर 3rd पे कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप कनेक्शन ऑफ रेफरेंस वोल्टेज टू पिन नंबर 2। रेफरेंस की वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट। हम ये 1 वोल्ट DC सप्लाई से सेट करके रजिस्टर R को फीड करेंगे। ये DC पावर सप्लाई है, इसके 3 चैनल्स है, 1st, 2nd, 3rd। चैनल 2nd और 3rd VCC और VE वोल्टेज के लिए है। चैनल 2nd, ये वाला चैनल 2nd का टर्मिनल है, ये हमने कनेक्ट किया है थ्रू दिस जम्पर वायर। अब ये जम्पर वायर कनेक्ट होगी पिन नंबर 7th पे, +12 वोल्ट है इसमें, इसमें -12 वोल्ट है, अभी ऑफ है चैनल्स, हमने ऑलरेडी सेटिंग कर रखी है इसकी। नेक्स्ट ये चैनल 1, इससे हम रेफरेंस वोल्ट अप्लाई करेंगे। ये चैनल 1 के टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस, प्लस मेन है मेन टर्मिनल और माइनस ग्राउंड है। अब जो ग्राउंड है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मेन रेफरेंस पे चला जाएगा। रेफरेंस कहां पे, R पे। और ये वाला टर्मिनल पिन नंबर +12 वोल्ट वाला पिन नंबर 7th पे कनेक्ट होगा और -12 पिन नंबर 4th पे, और जो ग्राउंड है इस सप्लाई का वो ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। और हम सप्लाई अभी ऑफ कंडीशन में ही रखेंगे, सभी इंस्ट्रूमेंट्स ऑन करने के बाद ही सबसे लास्ट में इसको ऑन करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव टू कनेक्ट रेफरेंस +1 वोल्ट एट द 2nd टर्मिनल ऑफ रजिस्टर। दिस इज रजिस्टर R, तो रेफरेंस हम इस पॉइंट पे फीड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और जो रेफरेंस का ग्राउंड है वो ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये रेफरेंस वोल्टेज है। नेक्स्ट स्टेप कनेक्शन ऑफ VCC एंड VE सप्लाई वोल्टेज, ये +12 के साथ कनेक्ट किया है हमने, ये IC के पिन नंबर 7th को कनेक्ट होगी ऐसे, और -12 वोल्ट IC के पिन नंबर 4th को कनेक्ट होगी
ठीक है। अब जो ब्रेडबोर्ड का ग्राउंड है वो डीसी सप्लाई के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा इस जम्पर वायर से। अब ये वाली जो वोल्टेज है ये -12 है आईसी के पिन नंबर 4th को, और ये वाली +12 वोल्ट है आईसी के पिन नंबर 7th को, और ये वाली जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड है इस डीसी सप्लाई का ग्राउंड। हमने सभी ग्राउंड एक ही ट्रैक पे शॉर्ट कर दिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमें एक ऑस्किलोस्कोप कनेक्ट करेंगे आउटपुट और टर्मिनल पे, और उस ऑस्किलोस्कोप से हम इस कंपैरेटर का इनपुट भी विजुलाइज करेंगे ताकि दोनों सिग्नल हम कंपेयर कर सकें, विजुलाइज कर सकें। टू चैनल डीएसओ, इसका ऑन ऑफ बटन इसके टॉप टॉप साइड पे, इसका चैनल 1 हम इनपुट पे कनेक्ट करेंगे जो येलो कलर में होगा, और चैनल 2 आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे जो पर्पल होगा। ठीक है, अब जैसे ये आप देख रहे हो ये चैनल 1 का सिग्नल है और ये चैनल 2 का सिग्नल है। हम चैनल 1 इनपुट पे कनेक्ट करेंगे, इनपुट ऑफ द कंपैरेटर, एंड चैनल 2 आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे। अब हम ब्रेडबोर्ड का जो आउटपुट है, इस आईसी का जो आउटपुट है वो डीएसओ से कनेक्ट करेंगे थ्रू दिस क्रोकोडाइल क्लिप टू बीएनसी केबल। अब ये रेड क्लिप आउटपुट पे कनेक्ट हो जाएगी और ब्लैक ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। रेड पिन नंबर 6 पे कनेक्ट करेंगे हम, पिन नंबर 6 ऑफ आईसी। ब्लैक टर्मिनल है जो वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा ऐसे। सेम हम इनपुट विजुलाइज करेंगे डीएसओ के चैनल 1 के साथ, उसका भी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। जो रेड जम्पर वायर है, जो रेड केबल है क्रोकोडाइल केबल, वो इनपुट पे कनेक्ट होगा इस रेजिस्टेंस के साथ, और दूसरा जो टर्मिनल है ब्लैक वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। अभी ये इस वायर से हम इनपुट फीड कर रहे हैं, इससे डीएसओ पे विजुलाइज कर रहे हैं, और ये वाला जो वायर है चैनल 2 पे जा रहा है, चैनल 2 ऑफ डीएसओ, इससे आउटपुट विजुलाइज करेंगे इस कंपैरेटर का आउटपुट। नेक्स्ट स्टेप इज स्विच ऑन द डीसी पावर सप्लाई, स्विच ऑन द चैनल 2 एंड 3 फ्रॉम दिस डीसी सप्लाई, एंड ऑल्सो स्विच ऑन दिस रेफरेंस वोल्टेज। अभी इस केस में हम रेफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट, ये डीसी वोल्टेज है, हम 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, और उधर इनपुट वोल्टेज क्या है वो भी 1 वोल्ट है, बट वो 1 वोल्ट पीक टू पीक है। अभी हम डीएसओ पे फोकस करते हैं, डीएसओ पे आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे, एंड दिस सिग्नल इज इनपुट इनपुट ऑफ दिस कंपैरेटर। अभी आउटपुट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से काफी कम है। अब जब भी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस को क्रॉस करेगी, रेफरेंस से ज्यादा होगी, तभी आउटपुट आएगा। जैसे अभी इस कंडीशन में रेफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट है और उधर इनपुट वोल्टेज भी 1 वोल्ट पीक टू पीक है, बट वो 1 वोल्ट पीक टू पीक है। अब अगर हम इनपुट वोल्टेज को 2 वोल्ट करें, 2 वोल्ट पीक टू पीक, अब रेफरेंस और इनपुट इक्वल आ गए, दोनों सेम हो गए, वो 1 वोल्ट है रेफरेंस और उधर भी वो 1 वोल्ट वी मैक्स है। अब जैसे ही दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा तो ये आईसी आउटपुट जनरेट करेगा। अभी जो इनपुट वोल्टेज है वो 2.1 वोल्ट है पीक टू पीक, रेफरेंस फिक्स है 1 वोल्ट,
अभी हम यहाँ पे भी इनपुट डिस्प्ले कर लेते हैं। इनपुट चैनल वन पे है, उसका टाइप पीक टू पीक यहाँ से ऐड कर लेते हैं, और उसके साथ ही हमें जो वी आउट है उसकी पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज और नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मेजर करनी होगी। तो उसके लिए हम चैनल टू वी मैक्स और वी मिनिमम मेजर करेंगे। वो पैरामीटर्स हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए, वी मैक्स 4.4 जो भी आएंगे वो हम मेजर करेंगे। अभी हम जैसे ही मैं इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं तो उसका शेप भी थोड़ा परफेक्ट हो रहा है, स्क्वायर वेव की तरह आ रहा है। तो अब जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, क्योंकि ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में है, वो सैचुरेशन वोल्टेज आएगी। जो मैक्सिमम वोल्टेज है वी मैक्स और वी मिनिमम, वो आईसीपी प्लस पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज और नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज आएगी, वो हमें यहां से मेजर करनी होगी। अभी रेफरेंस 1 वोल्ट है और उधर इनपुट 3 वोल्ट पीक टू पीक है। ये इनपुट है अप्रोक्सीमेट 3 वोल्ट पीक टू पीक, तो आउटपुट आएगा, ठीक है। बेसिकली इनपुट सिग्नल रेफरेंस के साथ कंपेयर हो रहा है। अगर मैं इनपुट वोल्टेज को रेफरेंस से कम कर दूं तो आउटपुट नहीं आएगा, अगर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से ज्यादा होगा तो आउटपुट आएगा। हमें मेजर क्या करना है, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज और नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज। तो हम पहले अभी यहां पे इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट पीक टू पीक, और रेफरेंस फिक्स है 1 वोल्ट। हमें मेजर क्या करना है, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज जो आ रही है 11.20 और नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज जो ये डिस्प्ले कर रहा है 9.60 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज और ये नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज, ये फर्स्ट रीडिंग हो गया। अब सेकंड रीडिंग हम रेफरेंस वोल्टेज चेंज करेंगे और दोबारा फिर वही वी मैक्स और वी मिनिमम नोट करेंगे। अब मैं रेफरेंस वोल्टेज यहां से 2 वोल्ट सेट कर रहा हूं। अभी रेफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट है, रेफरेंस हम यहां पे डिस्प्ले नहीं कर रहे, सिर्फ इनपुट और आउटपुट ही डिस्प्ले कर रहे हैं। रेफरेंस अभी 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे ही इनपुट 2 वोल्ट से ज्यादा होगा तभी आउटपुट आएगा। अभी जो इनपुट है वो 4 वोल्ट से कम है, थोड़ा सा 4 वोल्ट पीक टू पीक। जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे आईसी आउटपुट जनरेट करेगा, मैक्सिमम कितनी वोल्टेज देगा, अप्रोक्सीमेट 11 वोल्ट वी मैक्स है, 9.6 वी मिनिमम है। सेम ऐसे ही थर्ड रीडिंग हम नोट करते हैं रेफरेंस, इसको 3 कर देते हैं। अभी रेफरेंस वोल्टेज 3 वोल्ट है, इट मींस इनपुट 3 वोल्ट मैक्स से ज्यादा होना चाहिए तभी आउटपुट आएगा। अभी थोड़ा सा ज्यादा है, 7 वोल्ट पीक टू पीक है, अप्रोक्सीमेट 7 वोल्ट 6.5, तभी ये आउटपुट दे रहा है। जैसे ही हम इनपुट और इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट ऐसे आएगा। तो इसमें हमें वी मैक्स और वी मिनिमम ही नोट करने हैं। वी मैक्स है 10.8 पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज बोल दे इसको, वी मिनिमम है 9.6 नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज। तो ये एक्सपेरिमेंट था ओप एम्प एज कंपैरेटर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, हम इस कंपैरेटर में कुछ इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम इस लोड के साथ एक लाइट इमिटिंग डायोड इंसर्ट कर देंगे सीरीज में। ये सिंबल है लाइट इमिटिंग डायोड का, तो ये मेरे हाथ में ये लाइट इमिटिंग डायोड है। इससे क्या होगा, हमें इस कंपैरेटर का आउटपुट पता चल जाएगा बिना डीएसओ के। इस एलईडी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है
और छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल है। हम पॉजिटिव को इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ग्राउंड कर देंगे। तो चेंज करने से पहले हम डीसी सप्लाई ऑफ करते हैं और ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा लेते हैं, और इस रेजिस्टेंस के साथ डायोड, जो लाइट एमिटिंग डायोड है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा ऐसे, और इस एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। बस हो गया कनेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से ज्यादा होगा ये एलईडी ग्लो हो जाएगा, जैसे ही ये डाउन चला जाएगा रेफरेंस से कम हो जाएगा एलईडी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। हम रेफरेंस वोल्टेज चेंज कर देते हैं, रेफरेंस अभी 1 वोल्ट पे सेट करते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है, रेफरेंस वोल्ट 1 वोल्ट। अब जैसे ही इनपुट सिग्नल वी मैक्स 1 वोल्ट से ज्यादा होगा, जो हमने एलईडी लगाया है वो ग्लो होगा, ऑन हो जाएगा, यही हम ऑब्जर्व करते हैं। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस कंपैरेटर पे। हमने यहाँ पे एक लाइट इमिटिंग डायोड इंसर्ट कर दिया आरएल के सीरीज में, ठीक है, और उधर डीएसओ राइट साइड हमारे वो डीएसओ पड़ा है। अभी डीएसओ कोई आउटपुट नहीं दे रहा, मींस ये कंपैरेटर कोई आउटपुट नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है। अभी रेफरेंस वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट। तो इस यहाँ पे क्या कंडीशन है इस सेटअप की, रेफरेंस वोल्ट 1 वोल्ट है और इनपुट वोल्ट 2 वोल्ट पीक टू पीक है। अब जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होगी, डीएसओ आउटपुट डिस्प्ले करेगा और यहां पे ये एलईडी भी ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगा, वही हम ऑब्जर्व करते हैं। अभी डीएसओ कोई आउटपुट नहीं दे रहा, मींस ये कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेट 0 वोल्ट है। अब जैसे ही मैंने ये इंक्रीज किया इनपुट वोल्टेज, रेफरेंस से ज्यादा हो गया, 3 वोल्ट पीक टू पीक है, मींस 1.5 वोल्ट वी मैक्स ये रेफरेंस से ज्यादा है, तो यहां पे आप देखो एलईडी भी ग्लो होना शुरू हो गया और वहां पे आउटपुट भी आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू और ज्यादा कर दें तो एलईडी की इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। अगर हम इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से कम कर दें, आउटपुट 0 और यहां पे एलईडी भी ऑफ हो गया। सेम हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेफरेंस सेट करके इसका आउटपुट ऑब्जर्व कर सकते हैं।